Hello students, welcome back to the part 3 of FEMA Overseas Investment Rules 2022. देखिए बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डेफिनेशंस, जो कि सारी की सारी हैंड रिटन मैंने आपको एक पेज के चार्ट में करवा दी थी. देयर आफ्टर नो डाउट हमने रूल नंबर 3 से लेके 21 तक वो प्रिंटेड में से पढ़ा था, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाना था हैंड रिटन में और कुछ ही कंसेप्ट उसके इंपॉर्टेंट थे. देन मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है इन्हीं से रिलेटेड स्केड्यूल्स, 5 स्केड्यूल हैं, रेड विद रूल नंबर 11 से लेके 15 तक. तो आज हम इस एक चार्ट से हैंड रिटन आप देख भी रहे होंगे 100% कवरेज, एक एक वर्ड के साथ हम ये स्केड्यूल्स करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद. देखिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 11, या कह लीजिए मेनली हम किसकी बात करने जा रहे हैं, स्केड्यूल नंबर 1. सो स्केड्यूल नंबर 1 रेड विद रूल नंबर 11 किसके लिए है? कहता है मैनर ऑफ मेकिंग ओडीआई बाय इंडियन एंटिटी. ध्यान रखिएगा वर्ड क्या है यहां पे, ओडीआई है. ओडीआई बाय इंडियन एंटिटी, और ओडीआई की डेफिनेशन में हमने क्लियर कहा था आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हो. अगर वो लिस्टेड फॉरेन एंटिटी है तो कम से कम 10% से कम है तो होना चाहिए कंट्रोल. और अनलिस्टेड में कोई लिमिट का पंगा नहीं था, चाहे एक शेयर में लगाओ ओडीआई है. और लिस्टेड एंटिटी याद करो हमने चार बातें करी थी, कंपनी, बीसी, एलएलपी एंड फर्म. तो वो डेफिनेशंस आपको भूलनी नहीं है, उनको जरूर साथ में लेके चलिए. जैसे अभी मैंने आपको ये यहां से ओडीआई के बारे में बता दिया कि जहां सिर्फ आपने पैसा इक्विटी में लगा रखा है. और जहां तक सवाल है लिस्टेड या आपका इंडियन एंटिटी का, जो मैंने आपको ये चार चीजें बताई, तो पिछला बिल्कुल ना भूलें. तो इंडियन एंटिटी ओडीआई कर सकती है, स्केड्यूल 1 का आपने कंप्लायंस करना है. तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि भैया आप जब ये ओडीआई करोगे तो कैसे करोगे, मतलब एक चीज आ गई मैनर, कि आप इसको किस तरह से करेंगे. तो ओडीआई हम जानते ही हैं, पैसा किसमें लगाना है, इक्विटी कैपिटल में. बस कहता ध्यान रखना पैसा लगाना है जो आपने फॉरेन एंटिटी में, वो किसमें इन्वॉल्व हो, बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी. एंड डू नॉट फॉरगेट, इसके बारे में बेटा जी हम रूल नंबर 9 के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आए थे कि बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी का मतलब है परमिसिबल बिजनेस एक्टिविटी जो अलाउड है एज पर द लॉ इनफोर्स भारतीय लॉज एंड होस्ट कंट्री या ज्यूरिस्डिक्शन का लॉ जिसे अलाउ करे. अब रूल नंबर 11 स्केड्यूल 1 क्या कहता है, ओडीआई में भी मेड और हेल्ड बाय वे ऑफ, मतलब कि आप ओडीआई कैसे करोगे. हमें बस यहां पे ध्यान ये रखना है बच्चों कि ओडीआई करने के 6 तरीके हैं, यहां पे 6 वेज कह लीजिए, तरीके कह लीजिए, जो भी वर्ड आपको ठीक लगे. ये नियम है बोलना कि 6 तरीके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सबसे पहले आप क्या देख रहे हो इक्विटी में आप पैसे लगा रहे हो, यही ओडीआई था. या तो इक्विटी आपने क्या करी, खरीदी, या हो सकता है फॉरेन एंटिटी जब बनी हो आपने उसका मेमोरेंडम क्या किया हो, सब्सक्राइब किया हो, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, राइट. तो इक्विटी में ही पैसा गया. नंबर 2 कहता जो भी आपने इक्विटी में पैसा लगाया है वो चाहे हो सकता कोई बिडिंग या टेंडर प्रोसीजर हो, सब्सक्रिप्शन हो गया, परचेज हो गया, बिडिंग या टेंडर प्रोसीजर हो गया. तीसरा क्या है कि भैया एक बार आप इक्विटी में पैसा लगा चुके हो तो हो सकता है कंपनी का आगे क्या आया हो, राइट इश्यू और बोनस इश्यू, इसके ऊपर भी देखिए पहले हम बातें थोड़ी कर चुके हैं तो वो मत भूलिए. देन कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एनी अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स इंडियन एंटिटी फ्रॉम फॉरेन एंटिटी, जिसका मतलब हो गया इंडियन एंटिटी ने फॉरेन एंटिटी से पैसे लेने थे तो सिंपल यू कह लो डेट. उस डेट के बदले उसने क्या दे दिया, कैपिटलाइजेशन कर दिया, जिसका मतलब है डेट किसमें कन्वर्ट कर दिया होगा, इक्विटी शेयर में, क्योंकि इक्विटी शेयर होंगे तभी तो क्या बनेगा, ओडीआई. नंबर 5 स्वैप ऑफ सिक्योरिटी. स्वैप आप सारे जानते ही हैं कि भैया एक्सचेंज, राइट, एक्सचेंज हुआ है ऑब्वियसली किस चीज का, सिक्योरिटीज का. तो आपको कहता स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज से चाहिए ओडीआई हो, या फिर कहता क्या हुआ मर्जर डीमर्जर एमलगमेशन या कोई स्कीम अरेंजमेंट की भारतीय लॉस या होस्ट कंट्रीज के लॉस के मुताबिक. तो देखिए हम पढ़ रहे हैं रूल 11 स्केड्यूल नंबर 5, ओडीआई कर रहा है, इंडियन एंटिटी कर रही है. तो
करना किसमें है, इक्विटी कैपिटल में करना है, और फॉरेन एंटिटी का बिजनेस क्या होना चाहिए, बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए, तरीके कितने कर लिए हमने, 6 इक्विटी शेयर खरीदे या सब्सक्राइब किए, या बिडिंग या टेंडर से आया, या राइट शेयर या बोनस इशू हुआ, या कैपिटलाइजेशन हो गया नेचुरल है डेट का इक्विटी में, या स्वैप या मर्जर एमलगमेशन डीमर्जर कोई भी अरेंजमेंट की स्कीम हुई है, उसके द्वारा आपको क्या मिले हैं, ये इक्विटी शेयर्स मिले और उससे आपने इन्वेस्ट किया, 6 तरीके। अगली बात रूल 11 स्केड्यूल 1 के अंदर क्या आती है, तो नेक्स्ट आइटम है कि भाई जब आप ओडीआई कर रहे हैं, कहता ओडीआई कर रहे इन फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी, जिसे हम शॉर्ट में कह देंगे एफसीए, ओडीआई इन फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी, ये एक हेडिंग हम बना के यहां पे चल रहे हैं, और इसके अंदर है दो बातें, देखिए मतलब ये हेडिंग हमें टिकाना है, इंडियन एंटिटी ओडीआई कर रही है, कहता वो एंगेज्ड है किसमें, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी इन इंडिया, मतलब जो भारतीय एंटिटी है भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज का काम कर रही है, राइट, मोटा मोटा कह लो बैंकिंग पैसे का काम कर रही है, और वो पैसा बाहर लगा रही है, फॉरेन एंटिटी में लगा रही है, ओडीआई के रूप में लगा रही है। कहता मे मेक ओडीआई इन फॉरेन एंटिटी विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी, मतलब ध्यान क्या रखें, ये जो फॉरेन एंटिटी में भी आप पैसा लगा रहे हो, ये भी किसमें एंगेज्ड है, फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी में, मतलब इंडियन एंटिटी भी एफएसए में इन्वॉल्व है एंड फॉरेन एंटिटी भी एफएसए में इन्वॉल्व है, दोनों का काम एक जैसा हो गया। तो कहता कोई बात नहीं, लगाओ पैसा, बस कुछ कंडीशंस का आपने क्या करना है, कंप्लायंस करना है, कितनी कंडीशंस है ये ध्यान रखनी है, 3, और ये कंडीशंस किसके ऊपर लग रही है, इंडियन एंटिटी के ऊपर लग रही है। कहता इंडियन एंटिटी ने जो कि एफएसए है, किसी फॉरेन एंटिटी जो कि एफएसए है उसमें ओडीआई कर रही है, 3 कंडीशंस आपकी होनी चाहिए। पहली, भैया इंडियन एंटिटी 13 पिछले 3 साल में 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट होना चाहिए, जिसका मतलब हो गया लॉसेस नहीं होनी चाहिए। सो ये बन गई हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन कि भाई 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए प्रॉफिट। लेकिन दिमाग लगाओ, पिछले कुछ सालों में कोविड ने सबको नचा के रखा, तो बहुत सारी एंटिटीज का प्रॉफिट हुआ ही नहीं, इसलिए एक प्रोविजन इंसर्ट की गई कि नेट प्रॉफिट कंडीशन नॉट मेट ड्यू टू व्हाट, कोविड, कि भैया कोविड की वजह से अगर ये कंडीशन नहीं मेट हुई थी 2 फाइनेंशियल ईयर में 2021 एंड 2021-22, तो क्या करें उसे। कहता कोई टेंशन नहीं, इन दोनों सालों को आप नेट प्रॉफिट जो 3 साल का देखना है उससे बाहर कर दें। मतलब हमने पहली कंडीशन क्या देखी, पिछले 3 साल में प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन अगर पिछले 3 साल में से कौन से साल आ गए, पिछले 3 साल में से अगर ये 2 साल आ गए 2021-22, उनमें अगर लॉस भी है इग्नोर कर दें। मतलब अगर आप एग्जैक्टली पिछले 3 साल कह लीजिए, एक ये लिया 2021, एक लिया 2021-22 और एक ले लिया 2022-23, तो 23-24 में अगर आप ओडीआई कर रहे हो, 23-24 में ओडीआई कर रहे हो, तो हमें सिर्फ प्रॉफिट 1 साल का देखना है 2022-23 का, मतलब इन 2 सालों में लॉस हुआ हो कोई टेंशन नहीं, राइट। तो इस ढंग से यहां मतलब इस चीज को ध्यान से समझ के चलिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2, ये इंडियन एंटिटी क्या है, रजिस्टर्ड है किसके पास, ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर इन इंडिया, एफएसआर। आप एफएसए में इन्वॉल्व हो, आप इंडियन एंटिटी हो, तो स्वाभाविक है फाइनेंशियल सेक्टर के पास आपको क्या करवाना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन या कह लीजिए वो आपको रेगुलेट करेगा। इसकी डेफिनेशन भी देखिए हमने पहले कर ली थी, फिर भी मैं जिक्र कर दूंगा आपसे, एफएसआर 21G के अंदर, मींस आप एक एफएसआर हो, एस्टैब्लिश हो अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बींग फोर्स इन इंडिया, और हमने पढ़ा था इंक्लूड्स में 4 बातें, आरबीआई, सेबी, इडा इंश्योरेंस से रिलेटेड, पीएफआरडीए पेंशन फंड से रिलेटेड। तो आप उनके पास या तो रजिस्टर्ड हो या वो आपको रेगुलेट कर रहे हैं, घूम फिर के बात एक ही है। तीसरी बात, आपने सारे के सारे अप्रूवल ले लिए हैं फ्रॉम सच रेगुलेटर्स, और अप्रूवल ले लिए हैं इंडिया वाले रेगुलेटर से भी और बाहर वाले से भी, क्यों, क्योंकि बाहर वाली एंटिटी भी तो किसमें इन्वॉल्व है, एफसीए में इन्वॉल्व है। तो 3 कंडीशन है पिछले 3 साल में भारतीय एंटिटी का, 3 PFY, मतलब इस साल का नहीं देखना, पिछले 3 साल का देखना है क्या होना चाहिए नेट प्रॉफिट। नंबर 2, आप फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा भारत में रजिस्टर्ड हैं। नंबर 3, आपने सारे अप्रूवल हिंदुस्तान और बाहर जो भी होस्ट कंट्री है वहां के रेगुलेटर से आपने ले लिए हैं।
और देखिएगा क्या कहता है, फाइनेंशियल एंटिटी कहता कंसीडर कर लेंगे वो इन्वॉल्व है कौन से काम में, BSFSA की फॉरेन एंटिटी, FE फॉरेन एंटिटी इन्वॉल्व है कौन से काम में, बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी विच इफ कैरिड आउट इन इंडिया रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर इन इंडिया। क्या अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हो, अगर भारत में करते तो आपको रेगुलेटर के पास रजिस्ट्रेशन करवानी होती, तब भी हम आपको क्या मान लेंगे, FSA मान लेंगे। और यही पॉइंट देखिए हम शेड्यूल 3 में भी देखने वाले हैं। नंबर 2 हमें ध्यान रखना है, यह मैंने टिक लिखा, टिक का मतलब ये लाइन सेम है यहां से, आप इंडियन एंटिटी है, बस अब की बार ध्यान क्या रखें, अब की बार आप नहीं इन्वॉल्व हैं कौन से काम में, नॉट एंगेज्ड इन फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज इन इंडिया, आप FSA में इन्वॉल्व नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं, मे मेक सेम आंसर इधर, आप किसी भी फॉरेन एंटिटी में पैसा लगा सकते हैं जो कि एंगेज्ड है किसमें, FCA में। पहले हम कह रहे थे दोनों का काम क्या हो गया, सेम हो गया, यहां क्या हो गया, अब इंडियन एंटिटी FSA नहीं है चाहे बाहर वाली है, राइट। तब भी क्योंकि इसलिए देखो हेडिंग पकड़ो क्या है, हेडिंग क्या है, ODI इन FSA। लेकिन ध्यान क्या रखना, एक्सेप्ट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मतलब आप इंडियन एंटिटी FSA नहीं हो, फॉरेन एंटिटी FSA हो सकती है, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन डाल दी गई, फॉरेन एंटिटी कौन सी ना हो, बैंकिंग और इंश्योरेंस ना हो, मतलब बैंकिंग और इंश्योरेंस के काम में आप पैसा नहीं लगाएंगे, उसके लिए ODI अलाउड नहीं होगा। कब अलाउड नहीं होगा, अगर आप इंडियन एंटिटी FSA नहीं हो, क्योंकि अगर आप FSA हो फिर तो इधर वाले पॉइंट में आ गए, यहां तो कोई एक्सेप्शन थी नहीं, लेकिन अब क्या है, एक प्रोविजो है, मतलब यूं कह लीजिए एक्सेप्शन के आगे एक्सेप्शन, कहता है इंडियन एंटिटी आप नहीं एंगेज्ड इन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में एंगेज नहीं हो तो ऑब्वियसली आप FSA नहीं हो, कहता मे मेक ODI इन जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब हम कह रहे थे बैंकिंग और इंश्योरेंस में नहीं लगाना, लेकिन अब हम कह रहे हैं लगा लो, लेकिन इंश्योरेंस कौन सी हो, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस हो, मतलब लाइफ की बात नहीं कर रहे हम दरअसल हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह को कह लीजिए हम इसको थोड़ा सा ऑब्वियसली अगर सरकार इसके ऊपर एक्सेप्शन दे रही है तो उसको इनकरेज करना चाहती है, हेल्थ इंश्योरेंस आज के दिन सबसे ग्रोइंग चीज है। कहता इफ सच इंश्योरेंस बिजनेस इज सपोर्टिंग कोर एक्टिविटी अंडरटेकन ओवरसीज, कि हम तो अलाउ कर रहे हैं, हो सकता है उस फॉरेन एंटिटी का जो मेन काम है वो थोड़ा इससे रिलेटेड हो सकता है, तो इसलिए जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस हम अलाउ करें। और यहां कंडीशन क्या है, सेम पॉइंट नंबर 1 नेट प्रॉफिट इन 3 PFI ये वाला, डेट मींस यहां पे हमने क्या सीखा, कंडीशन कितनी है, ओनली 1, यहां पे कंडीशन कितनी थी, 3 थी, सिर्फ एक है, और एक क्यों है, लॉजिक उसका अपने आप निकाल लो, लॉजिक बड़ा ही सिंपल, क्योंकि आपकी बार इंडियन एंटिटी किसमें इन्वॉल्व नहीं है, FCA में इन्वॉल्व नहीं है, राइट, तो वो रजिस्ट्रेशन FCA के पास क्यों होगा, वो अप्रूवल्स आपको रेगुलेटर से क्यों लेने पड़ेंगे। सो ये हो गया हमारा सेकेंड कॉम्पोनेंट यहां पे, ODI इन FSA। अब इसी का एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और, सेम शेड्यूल चल रहा है, शेड्यूल नंबर 1 रेड विद रूल नंबर 11, कि जहां क्या हो रहा है, ODI कर रहा है, कौन कर रहा है, इंडियन एंटिटी कर रहा है, उसका आता है ये हमारा तीसरा हिस्सा, लिमिट फॉर फाइनेंशियल कमिटमेंट। देखिए जब हमने पढ़ा था ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन तो हमने सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला लिया था, फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस OPI, और फाइनेंशियल कमिटमेंट में मैंने कही थी आपको 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है, आपको याद भी होगा हमने मैथमेटिकली ये फॉर्मूला यहां लिख भी दिया था कि OI इज फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस OPI, एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट में 3 चीजें थी, ODI प्लस डेट, लेकिन जो OPI ना हो या जिसे कह लीजिए अनलिस्टेड या नॉन फंड कोई फैसिलिटी है, और जहां तक सवाल है आपका OPI का तो वो हमने कहा था कि या तो लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज होंगी क्योंकि अनलिस्टेड तो यहां पे आ चुकी थी, राइट, या फिर हमने कहा था अगर आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट लेस देन 10% है विदाउट व्हाट कंट्रोल, तो लिमिट है FC कितना कर सकते हैं, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप FC कर सकते हैं, और कहता वो लिमिट कैसे देखनी है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये लिमिट कैसे देखनी है थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैसे दी गई है, इन ऑल द एंटिटी फॉरेन एंटिटीज टेकन टुगेदर, ये इंडिविजुअल फॉरेन एंटिटी में
जो आपने एफसी किया वो नहीं देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा, सारा टोटल की बात करें। और ये लिमिट कितनी है, ये लिमिट है 400%। आप ज्यादा से ज्यादा 400% पैसा लगा सकते हो, किसका लगा सकते हो, अपनी नेट वर्थ का। नेटवर्थ हम पहले डेफिनेशन में बात कराए थे कि जहां हमने कहा था अगर आप कंपनी हो तो फॉर्मूला हमारा ये था, पीयूसी प्लस रिजर्व्स प्लस आपका पीएनएल सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस डेफर्ड एक्सपेंडिचर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर फर्म एलएलपी के केस में कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, मतलब पीयूसी और रिजर्व का नाम चेंज कर दिया गया था, बाकी सब कुछ क्या था सेम था, रिवोल्यूशन रिजर्व वगैरह हमने या राइटिंग बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एमलगेशन नहीं लिया था। ये फॉर्मूला पक्का आपको आना ही चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल कमिटमेंट की यहां पे हम लिमिट देख रहे हैं और वो क्लियरली है 400% नेटवर्थ किसकी, स्वाभाविक है इंडियन एंटिटी की। अब नेटवर्थ कब देखनी है, ऑन द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, जो कि हमने कहा था ज्यादा से ज्यादा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से 18 महीने पुरानी ना हो, वो डेफिनेशन भी ना भूलें आप, राइट। और एज डायरेक्टेड बाय आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, अरे भाई इस पॉइंट का सिंपल मतलब है ये जो लिमिट्स हैं, ये डायरेक्टेड का मतलब है लिमिट्स की ही बात हो रही है, ये टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के आरबीआई घटा बढ़ा सकता है। तो ये हो गई लिमिट एफसी की 400% नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट जो पता होना चाहिए, ट्रांजैक्शन से ज्यादा से ज्यादा 18 महीने पुरानी। कहता नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिट, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है 400% की, आप चाहे 1000% लगाओ, मतलब जितना मर्जी लगाओ कोई टेंशन ही नहीं है किसको। अगर कहता आप कौन है, कहता अगर आप हो महारत्ना नवरत्ना मिनी रत्ना या सब्सिडरी ऑफ पीएसयू, पीएसयू आप सारे जानते होंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सरकारी कंपनियां कह लो जो कि सारी ऑयल सेक्टर में है, या भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भारतीय सरकार की कंपनियां पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो प्रॉफिट में चल रही हैं, इसलिए कहते हैं महारत्ना नवरत्ना मिनी रत्ना। या कहता हूं उनकी सब्सिडरीज जो एंगेज्ड हैं, लेकिन किसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर आ गया, अगर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हो। इसलिए याद कीजिएगा जब हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर की डेफिनेशन की बात कर रहे थे, हमने कहा था एनर्जी या नेचुरल सेक्टर जिसमें ऑयल वगैरह ये सब कुछ हमने लिए थे, और तब हमने ये कहा था हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे फॉरेन एंटिटी की, जिसका मतलब है जो हिंदुस्तान के बाहर रजिस्टर्ड है प्लस आईएफएससी इंडिया में होने के बावजूद भी उसको ले लिया था, लेकिन एक कंडीशन हमने डाली थी उनकी क्या होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन वहां एक एक्सेप्शन हमने क्रिएट की थी कि अगर आप स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इन्वॉल्व है फिर कोई टेंशन नहीं है, चाहे आप लगाओ पैसा। तो यहां पे भी हमने क्या देखा, ये जो 400% की लिमिट है नहीं लगेगी अगर आप पीएसयू हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आप किस में इन्वॉल्व हैं, आप स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। देन एक और बात यहां निकल के आती है, वो क्या है, कहते हैं जब आप फाइनेंशियल कमिटमेंट को कंप्यूट कर रहे हैं, 400% तो लिमिट देख ली, नेटवर्थ की देख ली, इंडियन एंटिटी की देख ली, अब कहता ध्यान क्या रखें, इस फाइनेंशियल कमिटमेंट में इस चीज को आप इंक्लूड ना करें और इसको हम इंक्लूड करके चलेंगे। क्या नहीं इंक्लूड करना, कहता कैपिटलाइजेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन्ड अर्निंग आप सारे जानते हो प्रॉफिट से रिजर्व कैपिटलाइज किया, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, बोनस शेयर्स। तो कहता बोनस शेयर्स अगर कैपिटलाइजेशन हुआ उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर, इस लिमिट के अंदर। मतलब शेल इंक्लूड, हां इसको पक्का ले लो भाई, किसको ले लें, दो चीजें हैं यहां पे, एक एंड दो। कहता ये फाइनेंशियल कमिटमेंट का हिस्सा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये डीआर स्टैंड्स फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, एडीआर या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, राइट, एडीआर या जीडीआर से आपने पैसा उठाया है, एंड स्टॉक्स स्वैप ऑफ सच सिक्योरिटीज सच रिसीट्स। मतलब एडीआर जीडीआर से आपने पैसा, राइट, क्या किया, रेज किया, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने पैसा रेज किया और उसको क्या किया है, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट रेज बाय इश्यू ऑफ एडीआर जीडीआर। मतलब फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर एडीआर जीडीआर लेके चलेंगे, जितना पैसा आपने जो रेज किया एंड उसे यूटिलाइज किया, मतलब ध्यान क्या रखना है टेक्निकल, अगर हम कहें अगर यूटिलाइजेशन नहीं किया, ध्यान रखें यूटिलाइजेशन नहीं किया, मतलब रेज तो कर लिया नहीं किया, तो नॉट टू इंक्लूड, फिर नेचुरल है भाई हम इंक्लूड नहीं करेंगे।
मतलब एडीआर जीडीआर से आपने पैसा रेज किया है एंड उसे यूटिलाइज कर लिया है तो हम फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट में लेके चलेंगे। सेम अगला पॉइंट ऐसा ही है, आपने पैसा रेज किया है किससे, ईसीबी से, स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, वहां से पैसा रेज किया एंड यूटिलाइज किया, एक जितना मतलब मान लीजिए 500 करोड़, लेकिन लिया अभी आपने यूटिलाइज किया 200 करोड़, तो 200 करोड़ को ही हमने फाइनेंशियल कमिटमेंट में लेके चलना है। टू द एक्सटेंट द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेज और क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन एसेट्स टू रेज सच बोरिंग्स हैज नॉट ऑलरेडी बीन रेकन टुवर्ड्स द अबव लिमिट। लेकिन एक चीज का तो ध्यान रखोगे, आपने ईसीबी से बाहर से पैसा रेज किया है तो उससे वो रेज करने से रिलेटेड कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग प्लेज, गिरवी वगैरह, चार्ज कहें, प्लेज कहें, आपने क्रिएट किया है, तो अगर वो पहले आप एड कर चुके हो तो आप डबल काउंटिंग नहीं करनी है, एक ही बार पैसे को आप उसके अंदर क्या करेंगे, एड करके चलेंगे। तो ये हो गया हमारा यहां पे आकर के कंप्लीट स्केड्यूल नंबर 1 रेड विद रूल नंबर 11, जहां फिर ध्यान दीजिए, अब हम इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपके टिप्स पे हो जाए। जहां हमारा हेडिंग आता है ओडीआई कर रहा है, कौन कर रहा है, इंडियन एंटिटी, तो प्लीज भूलिएगा मत, इंडियन एंटिटी में 4 लोग ही आपके अंदर आते हैं, कंपनी, बीसी, एलएलपी एंड फर्म। तो मैनर में हमने कह दिया इक्विटी से आप पैसा उठा रहे हो, जिसमें बेसिकली कह लीजिए 6 पॉइंट निकल गए, पहला इक्विटी परचेज, सब्सक्रिप्शन, दूसरा कोई भी बिडिंग या टेंडर हो सकता है 2 पॉइंट, और अगले 4 पॉइंट को और थोड़ा ध्यान से, अगले 4 आते हैं हमारे राइट इशू, बोनस इशू या कैपिटलाइजेशन हुआ है, राइट, और उसके बाद आपका स्वैप हुआ है या मर्जर, अमलगामेशन, डीमर्जर या कोई भी अरेंजमेंट की स्कीम से कोई पैसा आया है। देन हमने बात करी ओडीआई इन एफएसए, दैट इज फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी, जहां हम कह रहे हैं 2 भाग हैं, एक इंडियन एंटिटी भी एफएसए है और बाहर की किसी फॉरेन एंटिटी जो भी वो भी एफएसए है, उसमें आप ओडीआई कर रहे हो। 3 कंडीशन है, इंडियन एंटिटी का पिछले 3 साल में नेट प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन उसमें से 2 साल अगर है 2021-22 जो कोविड वाले साल थे तो उसमें लॉस है तो आप उनको इग्नोर मारते हैं। सेकेंड, आप भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर द्वारा रेगुलेटेड हैं। तीसरा, आपने इन रेगुलेटर से पूरे के पूरे क्या ले लिए हैं, अप्रूवल ले लिए हैं। लेकिन अगला पॉइंट क्या, भारतीय एंटिटी एफएसए में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हो सकता है बाहर वाली इन्वॉल्व हो, कोई बात नहीं, आप ओडीआई में पैसा लगाइए, बस ध्यान रखें वो बाहर वाली बैंकिंग और इंश्योरेंस में नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। उसमें भी अगर वो बाहर वाली कौन सा काम कर रही है, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कर रही है, तो कोई टेंशन नहीं है, अगर वो आपके कोर बिजनेस एक्टिविटी को हिंदुस्तान के बाहर सपोर्ट कर रहा है। और यहां सिर्फ एक ही कंडीशन का कंप्लायंस करना, आपने प्रॉफिट वाली और उसमें कोविड वाला मत भूलिएगा। और हम जो कह रहे हैं कि फॉरेन एंटिटी को हम मान लेंगे वो एफएसए में इन्वॉल्व है, अगर भारत में आप ये काम करते तो आपको भारतीय रेगुलेटर से अगर अप्रूवल लेना पड़ता। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लिमिट हमारी फाइनेंशियल कमिटमेंट की, तो हमने कहा सारी फॉरेन एंटिटीज को मिला के हम बता रहे हैं, भारतीय एंटिटी की 400% नेटवर्थ स्वाभाविक है लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के मुताबिक, और टाइम टू टाइम आरबीआई सीजी से पूछ के लिमिट घटा बढ़ा सकता है, लेकिन ये पीएएसयू उनकी सब्सिडरीज कह लीजिए, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, उनके ऊपर लिमिट नहीं लगेंगी अगर आप स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। और एफसी जब हम निकाल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, अगर कैपिटलाइजेशन व रिटेंड अर्निंग का नहीं लेने का, लेकिन ले लीजिए अगर पैसा आपने एडीआर जीडीआर से रेज करके यूटिलाइज किया, यूटिलाइजेशन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, या ईसीबी से पैसा आपने रेज करके क्या किया है, यूटिलाइज किया है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ आ गए हम स्केड्यूल नंबर 2 रेड विद रूल नंबर 12 में, ये ध्यान रखिएगा, स्केड्यूल नंबर 2 रेड विद रूल नंबर 12। अब ये किसके लिए लग रहा है, ये कहता है मैनर ऑफ मेकिंग ओपीआई, मैनर ऑफ मेकिंग ओपीआई, तो ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, है किसके ऊपर, लग किसके ऊपर रहा, वही इंडियन एंटिटी, और इंडियन एंटिटी में हम पहले बात कर चुके हैं, मतलब इंडियन एंटिटी सेम चल रहा है यहां पे, मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, इंडियन एंटिटी, मतलब 2 चीजें आ गई। यहां क्या था रूल नंबर 11 में भैया, ये था आपका ओडीआई, और बेसिकली यूं कह लीजिए हमने बात किसकी करी, फाइनेंशियल कमिटमेंट, और फाइनेंशियल कमिटमेंट में भूलिए मत ना, उसके अंदर ओडीआई भी आ गया, राइट, हेडिंग ओडीआई था लेकिन मेन फाइनेंशियल कमिटमेंट लेके चल रहा है, तो उसके अंदर ओडीआई भी आ चुका है। तो ओडीआई
तो फाइनेंशियल कमिटमेंट और ओपीआई दोनों को ऐड करो तो टोटल क्या बन गया, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तो टोटल मतलब ओपीआई स्केड्यूल नंबर दो में है, बस इतना पकड़ लीजिए। कहता है इंडियन एंटिटी में मेक ओपीआई, लेकिन यहां पे लिमिट देखिए आपके सामने कितनी है। देखिए आपको सेम लिमिट दिख रही है मैक्सिमम, लेकिन दिख रही है 400% नहीं 50% है किसका, वही नेटवर्थ, वही लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में। अब ओपीआई है, बस इतना लेके चलिएगा। इसलिए आपको ओडीआई एफसी ओपीआई की डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। कहता अगर लिस्टेड इंडियन कंपनी है, अगर आप लिस्टेड इंडियन कंपनी हैं तो मे मेक ओपीआई इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली जैसे अगर आपको कोई डिविडेंड वगैरह मिला है तो वो, या इंटरेस्ट कह लीजिए मिला है, तो वो आपने क्या किया है, री इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक। देन अगर आप है अनलिस्टेड इंडियन एंटिटी, मे मेक ओपीआई ओनली अंडर क्लॉज, ये चार क्लॉजेस ऑफ स्केड्यूल वन। देखिए मैंने कहा था स्केड्यूल वन के अंदर छह तरीके थे पैसे लगाने के। एक पहला था परचेज सब्सक्रिप्शन, दूसरा बिडिंग वाला, टेंडर वाला, मतलब अनलिस्टेड ने ओपीआई में। क्योंकि प्लीज एक चीज आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, अगर आप ओपीआई का डेफिनेशन याद नहीं रखोगे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यहां देखिए हमने ओपीआई में क्या कह दिया था, नॉर्मली ओपीआई में आता लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज, लेकिन दूसरा ओपीआई में क्या था, अगर आप ओडीआई नहीं है, जैसे हमने ओडीआई में पढ़ा था लिस्टेड एंटिटी पे 10% की लिमिट है, राइट। तो अगर आप लिस्टेड हैं और 10% से पैसा कम लगाया है, राइट, या 10% से कम लगाते हो लेकिन अगर आपके पास कंट्रोल है, आपके पास कंट्रोल है, तब भी हम उसे क्या नहीं मानते हैं, हम उसे ऑब्वियसली हम उसे मान के चलते हैं ओडीआई। तो कहने का मतलब है 10% से कम है और लेकिन आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, यहां पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल हो गया तो वो ओडीआई बन जाता था। सो दैट मींस मत भूलिए कि ओपीआई के अंदर भी इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। इसलिए वो क्या कह रहा है कि अनलिस्टेड है ना, सिर्फ इन चार चीजों में पैसे लगा रहे हैं आप, राइट इशू, कैपिटलाइजेशन, या स्वैप हो रहा है, या मर्जर या डीमर्जर। इसलिए छह तरीके बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि चार इसी में से तरीके उठाकर, मतलब आप यहां पे भी थोड़ा सा यहां लिख सकते हो, ये जो चार पॉइंट है, ये चार कहां है, स्केड्यूल दो में है। किसके लिए है, फॉर अनलिस्टेड, तो अनलिस्टेड एंटिटी के लिए है ये चार पॉइंट। So that means हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि स्केड्यूल वन रूल 11 में क्या आ गया, आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट आ गया, एंड स्केड्यूल दो रूल 12 में क्या आ गया, आपका ओपीआई आ गया। आया किसके लिए, इंडियन एंटिटी के लिए आया, बस वहां पे लिमिट 50% थी। दैट मीन्स एक थोड़ा सा हम यहां पे एक एनालिसिस लिख दें, एनालिसिस किसके लिए, फॉर इंडियन एंटिटी, और ये क्या एनालिसिस हम निकाल रहे हैं, किससे रिलेटेड, टोटल ओआई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। और ओआई हम जानते हैं उसके कितने भाग होते हैं, दो होते हैं भैया, एक आपका एफसी, एक आपका ओपीआई। तो एफसी में कितनी लिमिट, 400%, किस चीज की, नेटवर्थ की। ओपीआई में 50%, किस चीज की, ऑफ नेटवर्थ, बट डू नॉट फॉरगेट ऑफ इंडियन एंटिटी, राइट। तो एक तरह से दोनों में मिला लें तो टोटल कितना बन गया, तो टोटल भैया 450% इंडियन एंटिटी पैसा लगा सकती है, यह हमने यहां से सीखना है। तो इसके साथ हमारे दो स्केड्यूल ध्यान रखें इंडियन एंटिटी पे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं इस तरह से। सो दिस एनालिसिस वॉज वेरी वेरी क्रूशियल, ये पक्का समझ के चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ स्केड्यूल नंबर 3 रेड विद रूल नंबर 13 किसके ऊपर आ रहा है, कहता है मैनर ऑफ मेकिंग ओआई,
ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पे है, लेकिन आप इंडियन एंटिटी वर्ड नहीं है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जो हमने डेफिनेशन में क्लियरली पढ़ लिया था नेचुरल पर्सन। तो मतलब अब हम बात करने जा रहे हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ये मत भूलिएगा। तो ओआई है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर आपका ओडीआई या एफसी कह लीजिए, प्लस क्या आ गया, ओपीआई भी आ गया। तो सबसे पहले कहता माइनर, हम जानते हैं ओडीआई तो किसमें होगा, इक्विटी कैपिटल में होगा, या पैसा किसमें होगा, ओपीआई में होगा। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल पे हम पहले भी देखा था कि भैया आपके लिए लिमिट कुछ अलग से नहीं रहने वाली, आपके लिए लिमिट वही रहेंगी, कौन सी, एलआरएस वाली, एलआरएस वाली जो 2.5 लाख वाली लिमिट आती है, तो सेम वही आपके ऊपर लिमिट रहनी है। तो लिमिट ध्यान रखिएगा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जितना अलाउड है वही आप कर सकते हैं। ओडीआई किसमें, इन फॉरेन एंटिटी, कौन सी फॉरेन एंटिटी, ये ध्यान रखना, नॉट एंगेज्ड इन एफसीए, एफसीए हमने पढ़ा आपका फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी, मतलब किसी भी फॉरेन एंटिटी में पैसे लगाओ, लेकिन किसमें नहीं लगाने, फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी में जो 9 बोल्ड हो। दूसरी बात, क्योंकि यहां देखिएगा वर्ड एंड है, एंड विच वो फॉरेन एंटिटी विच डज नॉट हैव सब्सिडरी और स्टेप डाउन सब्सिडरी वेयर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैज कंट्रोल इन द फाइनेंशियल एंटिटी। कहता है एक तो ये फॉरेन एंटिटी फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात इसकी कोई ऐसी सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी ना हो जिसमें हमारे रेजिडेंट इंडिविजुअल का क्या है, कंट्रोल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। ये हमें दो चीजें ध्यान में रखनी, ना आप एफएसए में पैसे लगाओगे, ना ऐसी फॉरेन एंटिटी में लगाओगे जिसकी सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी में आरआई का क्या है, कंट्रोल है। ओपीआई कहता जब आपने करना है इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ री इन्वेस्टमेंट, ये हमने पहले भी देखे स्केड्यूल नंबर 2 में पढ़ा, सेम ही है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ, तो दैट मीन्स यहां पे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, बाय वे ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मतलब ओडीआई भी आ गया, ओपीआई भी आ गया। कहता या तो हो जाए कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन वही हमने जो स्केड्यूल नंबर 1 में पढ़ा था, डेट वगैरह कन्वर्ट हो गया शेयर्स वगैरह में कह लीजिए, कैपिटलाइजेशन हो सकता है, या स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज, लेकिन यहां कारण बताया गया स्वैप के रीजन क्या हुए, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन या लिक्विडेशन। तीसरा इक्विटी शेयर थ्रू वही राइट शेयर या बोनस शेयर। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए आगे जो लिमिट्स आप देख रहे हैं वो क्या है, गिफ्ट के रूप में, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, इस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसकी हम बात करेंगे। एससीएस स्वेट इक्विटी शेयर, जिसकी डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ी थी और जो कि डेफिनेशन आती है अंडर रूल 21ZA के अंदर, जहां हमने कहा था ये पहली बात तो होते हैं इक्विटी शेयर्स, मैं आपको डेफिनेशन शो भी कर दूं, ये इक्विटी शेयर्स हैं, किसको जारी किए जाते हैं, डायरेक्टर या इंप्लॉयज को दिए जाते हैं, इक्विटी शेयर है डायरेक्टर और इंप्लॉय के लिए है। और स्वेट इक्विटी शेयर कौन इशू करा, फॉरेन एंटिटी या ओवरसीज कह लीजिए, किस कैसे इशू करिए, या डिस्काउंट या कंसीडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग व्हाट नो हाउ आईपीआर वैल्यू एडिशंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। सो स्केड्यूल 3 रेड विद रूल नंबर 13, यहां ओआई रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है जिसके अंदर दोनों चीजें आ गई, ओपीआई आया, ओडीआई आया, और यहां पे आप तरीके जो देख रहे हैं, एक कैपिटलाइजेशन हो गया, दूसरा स्वैप हो गया लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ, ध्यान रखना है, तीसरा आपका राइट शेयर बोनस शेयर, चौथा गिफ्ट इनहेरिटेंस, पांचवा स्वेट इक्विटी शेयर, छठा ध्यान दीजिएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स इश्यूड फॉर होल्डिंग मैनेजमेंट पोस्ट इन फॉरेन एंटिटी, मतलब वो फॉरेन एंटिटी है, वो आपको एक मैनेजमेंट पोस्ट दे रही है, लेकिन उस फॉरेन एंटिटी की अपनी कुछ कंडीशंस उस देश के लॉ के मुताबिक हो सकती हैं, उनके आर्टिकल के मुताबिक हो सकती हैं कि भैया मैनेजमेंट पोजीशन में बैठने के लिए आपको कम से कम इतने शेयर्स चाहिए, राइट। जैसे हमारे यहां डायरेक्टर बनने के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि शेयर्स होने चाहिए, तो इसलिए आपने शेयर्स खरीदे। तो कहते ये भी क्या है, ऑब्वियसली ये भी ओआई है लेकिन अप टू एलआरएस की लिमिट। देन ईसोप आप सारे जानते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, तो इसके द्वारा ईसोप और इससे नेचुरल आपको क्या मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन हर कंपनी में शेयर्स नहीं होते तो हम वर्ड क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, इंटरेस्ट, राइट, ये आपको मिल रहे हैं। तो यहां पे हमारे 8 पॉइंट निकल के आते हैं, मतलब यहां पे ध्यान रखिएगा तरीके कितने हैं, 8 तरीके हैं, 8 एक कैप
कैपिटलाइजेशन, दूसरा स्वैप लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ नहीं भूलना है, तीसरा आरएसबीएस, चौथा गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट या फिर आप गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस को थोड़ा सा अगर आप अलग कर दे, बाकी तो सारे शेयर से दिखेंगे आपको। स्वैप आ गया, कैपिटलाइजेशन आ गया, आरएसबीएस आ गया, स्वेट इक्विटी आ गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स क्योंकि मैनेजमेंट पोस्ट पे जा रही है, ईसोप वगैरह। अब क्या कहता है, हमने जैसे ऊपर पढ़ा था, जिस फॉरेन एंटिटी में आप ओडीआई कर रहे हो वो किसमें एंगेज ना हो, फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी में एंगेज ना हो, एंड आप दूसरी बात क्या थी, उसकी कोई नहीं होनी चाहिए सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी जिसमें आपका कंट्रोल है। अब हम यहां क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन, लेकिन वो कितने पॉइंट्स के लिए पढ़ रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, चार पॉइंट के लिए, जिसका मतलब हो गया क्लॉज नंबर ई से लेके एच तक, इनहेरिटेंस, स्वेट इक्विटी, क्वालिफिकेशन शेयर्स, केओएस या ईसोप के लिए। कहता ओडीआई अलाउड इवन इफ फॉरेन एंटिटी एंगेज्ड इन एफसीए, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी में है या उसकी सब्सिडरी या जो भी आपकी स्टेप डाउन सब्सिडरी जो हम कह रहे थे, हैज वेयर आरआई स्टैंड्स फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका क्या है कंट्रोल है। तो मतलब ये चार एक्सेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं जहां फर्क नहीं पड़ता फॉरेन एंटिटी एफसीए है या उसकी सब्सिडरी या स्टेप डाउन के अंदर आरआई का क्या है कंट्रोल है। चार पॉइंट रिवर्स में देख लीजिए, चाहे ईसॉप, क्यूएस एंड तीसरा स्वेट इक्विटी एंड चौथा इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है, हम मान लेंगे डीम्ड ओपीआई, मान लेंगे इफ एक्विजिशन 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल, कि अगर आपने 10% से कम शेयर लिए ना तो हम मान लेंगे क्या ओपीआई। अब आप हो गए सर, जब हम पढ़ रहे थे ओडीआई की डेफिनेशन तो अनलिस्टेड एंटिटी में कुछ भी लोग 100% वो क्या था ओडीआई था, सिर्फ लिस्टेड फॉरेन एंटिटी में 10% लोग तो ओडीआई था या 10% से लेस है तो उसमें अगर कंट्रोल है तो था। तो यहां हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया 10% से कम है आपके पास इक्विटी कैपिटल, चाहे वो फॉरेन एंटिटी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, चाहे विदाउट व्हाट कंट्रोल, फॉर क्लॉज नंबर ये तीन, इन तीन क्लॉज के लिए, आखिरी तीन ये ध्यान रखना है, चार नहीं अब तीन, मतलब इस तरह से यार ध्यान रखिएगा, यहां पे इन तीन के लिए स्वेट इक्विटी, क्यूएस, क्वालिफिकेशन शेयर, ईसॉप के लिए कहता फॉरेन एंटिटी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, 10% से कम अगर आपके पास इक्विटी कैपिटल है विदाउट कंट्रोल है तो बस ध्यान रखना है उसे ओडीआई नहीं मानना, रादर क्या मानना है ओपीआई मानना है, मतलब ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हमें यहां पर बात हो रही है ओपीआई की, यहां डी वर्ड नहीं है पी वर्ड है, दिस इज द टेक्निकल यू हैव टू टेक केयर। देयर आफ्टर अब बारी आती है गिफ्ट इनहेरिटेंस से रिलेटेड, क्योंकि हमने कहा था कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। गिफ्ट इनहेरिटेंस में क्या दिख रहा है हमें, तो भाई इसमें कहता क्योंकि आप कौन थे रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, तो कहता रेजिडेंट इंडिविजुअल आ रहा है विदाउट एनी लिमिट मे एक्वायर फ्रॉम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु इज अ रिलेटिव। सीखने वाली चीज क्या है, रिश्तेदार हम पहले पढ़ाए थे सेम एज कंपनीज एक्ट में अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 77, मामा चाचा नहीं उसके अंदर आता, ये ध्यान रखना, रिलेटिव की डेफिनेशन आनी चाहिए। आपका कोई रिश्तेदार है जो कि अब क्या है पीआरआई है, राइट, उससे हो सकता है जैसे आपके पिताजी कह लीजिए हिंदुस्तान के बाहर थे, तो उन्होंने जो भी ओडीआई ओपीआई कर रखी है बाहर तो ठीक है आपको मिल सकती है एज ए गिफ्ट के रूप में, और कोई उसमें लिमिट की भी कोई टेंशन नहीं है। मतलब वरना हम रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए लिमिट क्या पढ़ रहे थे 2.5 लाख, ये तो गिफ्ट में मिल रही है ना तो कोई टेंशन नहीं। सेम वे पॉइंट यही है इनहेरिटेंस का भी, अब पिताजी की प्रॉपर्टी तो बच्चों को ही मिलेगी ना, तो किससे मिली, कहता यहां पे इंटरेस्टिंग देखना है, फ्रॉम चाहे पीआरआई से मिली चाहे पीआरओआई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब हो सकता है पिताजी बाहर ही हो, राइट, और यहां पे हम कोई ऐसी बात रिलेटिव रिलेटिव कुछ नहीं कर रहे, हम सिंपल कह रहे हैं इनहेरिटेंस से मिली कोई भी आदमी, आप अडॉप्टेड भी हो सकते हैं जैसे मर्जी हो सकता है, कोई विल से भी दे सकता आपको। मतलब गिफ्ट के केस में ध्यान रखना है पीआरआई जो कि आपका रिश्तेदार हो, यहां ऐसा कुछ नहीं है। देन गिफ्ट के केस में एक सेकेंड लिमिट और है,
और ये सेकंड नील, तो इसलिए थोड़ा सा आप इन चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं। यहां सिर्फ पी आर आ रही था, यहां पे पी आर ओ आई के लिए अलग से पॉइंट आ रहा है, जबकि इनहेरिटेंस में पी आर आई पी आर ओ आई में कोई टेंशन नहीं था। कहता फ्रॉम पी आर ओ आई अप टू एफ सी आर ए लिमिट, तो देखिए हमारा एक्ट है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का। तो कहता अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बाहर से आ रहा है ना, तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कौन दे रहा होगा? पी आर ओ आई दे रहा होगा, तो आपने एफ सी आर ए की लिमिट्स का कंप्लायंस करना है। जैसे अगर आप एफ सी आर ए में देखोगे ना रूल नंबर 6 में, जैसे रिश्तेदार वगैरह की जो लिमिट है वो 10 लाख, पहले 1 लाख होती थी, 10 लाख की गई है। तो बस मतलब हमें याद रखना है एफ सी आर ए की लिमिट का आपने कंप्लायंस करना है। तो एक बार फिर से जितना हमने ये पढ़ा है इसको एक बार हम दोबारा देखते हैं। ध्यान दीजिएगा शेड्यूल नंबर है 3, रूल नंबर है आपका 13, और ये किसके ऊपर लग रहा है? ये लग रहा है रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर। तो हमने कहा कोई टेंशन नहीं, आप ओआई करो एलआरएस की लिमिट के अंदर करो, बस ध्यान रखना वो फॉरेन एंटिटी एफएसए ना हो और ना ही उसकी सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी में आपका कंट्रोल हो, बाकी जैसे मर्जी करो। पॉइंट नंबर पॉइंट 8 निकले, कैपिटलाइजेशन निकला स्वैप, लेकिन मर्जर वगैरह की वजह से। ध्यान दीजिएगा मतलब सारे शेयर वगैरह ले लो, राइट शेयर हो गया, आपका बोनस शेयर हो गया, आपका स्वेट इक्विटी हो गया, आपका ईसोप हो गया, और एक इंटरेस्टिंग अलग से क्यूएस क्वालिफिकेशन शेयर था, गिफ्ट इनहेरिटेंस कुछ अलग रख लो। लेकिन ध्यान क्या रखना था, वो पंगा था ना 4 एक्सेप्शन वाला, इसलिए थोड़ा ऑर्डर में याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि 4 एक्सेप्शन में ये आखिरी 3 याद रख लो ऑर्डर में, स्वेट इक्विटी, उसके साथ ईसोप एंड क्यूएस। तो चौथा लेना पड़ेगा इनहेरिटेंस, उसमें क्या था, उसमें एक्सेप्शन थी, चाहे एफएसए में है चाहे वो कंट्रोल वाला पॉइंट है, कोई टेंशन नहीं आप कर सकते हो। और आखिरी 3 में क्या था, स्वेट इक्विटी क्यूएस एंड ईसॉप में, हम उसको ओडीआई नहीं ओपीआई मानेंगे अगर 10% से कम कैपिटल ली है, चाहे वो फॉरेन एंटिटी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है विदाउट कंट्रोल, तो 10% से कम है तो ओपीआई मान के चलेंगे। गिफ्ट में आप अपने पीआरआई से लीजिए जो रिश्तेदार हो, और पी आर ओ आई से ले लीजिए लेकिन एफ सी आर एक्ट का कंप्लायंस करना। और इनहेरिटेंस में कोई टेंशन नहीं, पी आर आई पी आर ओ आई से लीजिए। और बढ़िया पॉइंट क्या था, यहां पे कोई लिमिट वगैरह नहीं लगेगी, विदाउट एनी लिमिट, कोई एलआरएस वाला भी पंगा नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है, ईसोप या एम्प्लॉई बेनिफिट स्कीम या स्वेट इक्विटी से रिलेटेड। कहते ये कैसे मिल गया आपको? तो स्वाभाविक है रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है या तो एम्प्लॉय होगा डायरेक्टर होगा, इसलिए स्वेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको। कहां पे? ऑब्वियसली ओवरसीज एंटिटी में। ओवरसीज एंटिटी कहां पे? हिंदुस्तान के बाहर हो सकती है, उसका ऑफिस भारत में हो सकता है, उसकी ब्रांच भारत में हो सकती है, उसकी सब्सिडरी इंडिया में हो सकती है। मतलब कहने का मतलब क्या, आप तो रेजिडेंट ही थे, आप इंडिया में ही काम कर रहे हो लेकिन वो बाहर वाली कंपनी भी इंडिया में काम कर रही है, राइट? चाहे उसकी ऑफिस है, उसकी ब्रांच है या उसकी सब्सिडरी है, इस वजह से आपको मिल गई। और ऑफ एन इंडियन एंटिटी इन विच फॉरन एंटिटी हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग, या हो सकता है आप रेजिडेंट इंडिविजुअल ही हो और किसी इंडियन एंटिटी में ही काम कर रहे हो, बट प्रॉब्लम क्या हुई, उस इंडियन एंटिटी में पैसा किसने लगा रखा है? फॉरन एंटिटी ने लगा रखा है। और कैसे लगा रखा है, देखिए इनडायरेक्टली का यहां मतलब भी दिया गया है, इनडायरेक्टली का भैया मतलब बताया गया है थ्रू स्पेशल पर्पज व्हीकल और स्टेप डाउन सब्सिडरी, जैसे मर्जी उसने पैसा लगाया है, तो इसलिए इनडायरेक्टली हो गया। तो फॉरेन एंटिटी के ही आपको क्या मिल गई, ईसोप या स्वेट इक्विटी मिल गई। कहता मे एक्वायर शेयर और इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन एंटिटी विदाउट एनी लिमिट, तो बड़ा पॉइंट हमारा क्या आ गया, यहां पे एलआरएस की कोई लिमिट नहीं लगेगी। सो दैट इज द स्टार पॉइंट, डू टेक केयर कि यहां पे ईसोप स्वेट में कोई लिमिट नहीं लगेगी, लेकिन कंडीशन बड़ी बढ़िया है, इफ ऑफर्ड ग्लोबली ऑन यूनिफॉर्म बेसिस बाय फॉरेन एंटिटी। कहने का मतलब आपको अकेले को नहीं दिए ये ईसोप या स्वेट इक्विटी, कैसे उसने दिए हैं, ग्लोबली मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में जहां जहां इसका धंधा है अपने सारे डायरेक्टर एम्प्लॉय को दिया है, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया है। देन आर आई मे एक्वायर ईसोप, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो जितना मर्जी ईसोप ले लो अंडर एनी स्कीम, लेकिन कहता है कि इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल्स, इसका मतलब हो गया भाड़ में गया जो रूल्स में क्या लिखा, सरकार की कोई स्कीम बिंदास होकर के आप ईसोप वगैरह लीजिए। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है यहां पे स्केड्यूल नंबर 3 रेड विद रूल नंबर 13। ओ आई किया, आर आई ने किया, स्टैंड फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल ने किया, लेकिन ध्यान रखें एलआरएस की लिमिट का कंप्लायंस करना होगा, ओपीआई कीजिए बाय वे ऑफ री इन्वेस्टमेंट कीजिए, ओडीआई वगैरह जो भी है तरीके
तरीके हैं, हमने 8 देखे। सबसे पहला आ गया आपका कैपिटलाइजेशन, लेकिन स्वैप का कारण ध्यान रखिएगा, मर्जर अमलगमेशन वगैरह रहेगा। राइट शेयर बोनस शेयर हो गया तीसरा, एंड चौथा पॉइंट आपका हो गया गिफ्ट। उसके बाद देखिए पांचवा इनहेरिटेंस, और वो आखिरी चार थोड़ा ध्यान भी रखना था। एक इनहेरिटेंस आ गया, फिर आ गया आपका स्वेट, फिर आ गया क्यूएस क्योंकि मैनेजमेंट पोस्ट है, एंड आखिरी क्या आ गया आपका ईसॉप। इन चारों में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो फॉरेन एंटिटी एफएसए है या वो रेजिडेंट इंडिविजुअल का उसकी सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी में कंट्रोल है, वरना आप नहीं कर सकते थे ओआई। और आखिरी तीन पॉइंट में हम ओपीआई मानेंगे, प्रोवाइडेड 10% से कम इक्विटी आपने लिए हैं, फॉरेन एंटिटी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, लिस्टेड हो चाहे, लेकिन विदाउट कंट्रोल वाला पॉइंट। गिफ्ट के केस में आप पीआरआई से लीजिए जो रिश्तेदार है, और पीआरओआई है तो एफसीआरए की लिमिट। इनहेरिटेंस में जिसे मर्जी लीजिए, कोई रोल नहीं है और इनमें कोई लिमिट्स भी नहीं है। और ईसॉप एंड स्वेट इक्विटी में भी हमने देखा कोई लिमिट का रोल नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड उस फॉरेन एंटिटी ने यूनिफॉर्म बेसिस पे ग्लोबली सबको दिए हैं, और या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अपनी स्कीम लेके आ जाए। इसके साथ आ गए हम स्केड्यूल नंबर 4 के अंदर, रेड विद रूल नंबर 14। और ये स्केड्यूल हमारा लगता है किसके ऊपर, यहां ध्यान रखने वाला हमारा पॉइंट है, बाय पीआरआई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब आप इंडियन एंटिटी वर्ड नहीं यूज कर रहे, राइट। अब हम वर्ड नहीं यूज कर रहे रेजिडेंट इंडिविजुअल, पीआरआई तो कोई भी हो गया, सारे हो गए, लेकिन क्या कहा भाई, पीआरआई अदर देन इंडियन एंटिटी एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल। क्यों अलग? अरे उनके लिए, इसके लिए दो अलग से स्केड्यूल करवा दिए, 1 और 2, इसके लिए 3 करवा दिया, तो इसलिए हमने 4 किसके लिए बनाया भाई, कोई और जो पीआरआई हो। सर और कौन होगा? ओआई बाय रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी। तो यहां ट्रस्ट या सोसाइटी की बात मेनली हम कर रहे हैं। कौन सी ट्रस्ट या सोसाइटी? एजुकेशनल या हॉस्पिटल के काम में जो इन्वॉल्व है, तो वो फॉरेन एंटिटी में पैसा लगा सकती है, लेकिन आपको प्रायर आरबीआई से अप्रूवल लेनी होगी। मेन कंडीशंस देख लीजिए, कहता जो पैसा आप लगा रहे हो, क्योंकि आप एजुकेशन या हॉस्पिटल में थे, एफई एंगेज्ड इन सेम सेक्टर एज इंडियन ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब दोनों का काम सेम होना चाहिए, जो काम इंडियन ट्रस्ट सोसाइटी करिए वही फॉरेन एंटिटी भी करे। नंबर 2, इंडियन ट्रस्ट या सोसाइटी इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 फाइनेंशियल ईयर बिफोर द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे हम इंडियन जब एंटिटी की बात कर रहे थे, तब हमने वहां 3 साल के प्रॉफिट की बात जैसे कर रहे थे, यहां 3 साल के प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, पिछले 3 साल की बात हो रही है, 3 फाइनेंशियल ईयर पिछले 3 की ही बात हो रही है, लेकिन आपका एग्जिस्टेंस देखना है। तीसरा कंडीशन है, जो भी आप ओडीआई कर रहे हो एज पर ट्रस्ट डीड ऑफ ट्रस्ट या मेमोरेंडम रूल्स बायलॉज ऑफ सोसाइटी। कहने का मतलब हो गया, आपकी जो मेमोरेंडम क्लॉज है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसके अंदर आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। नंबर 4, अप्रूवल लेना है। देखिए ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है उसको मैनेज करता है ट्रस्टी, और सोसाइटी को मैनेज करता है गवर्निंग बॉडी का हो, काउंसिल को, मैनेजिंग या एग्जीक्यूटिव कमेटी को, उनका अप्रूवल। मतलब मैं सिंपल यहां 4 की बजाय कहूंगा यार 5 पॉइंट ध्यान रख लो, रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी, एजुकेशन या हॉस्पिटल में 1 आरबीआई की अप्रूवल लेनी है, 2 फॉरेन एंटिटी भी सेम काम में इन्वॉल्व हो, 3 आपको बने हुए कम से कम 3 फाइनेंशियल ईयर हो चुके हों, नंबर 4 आपकी ऑब्जेक्ट क्लॉज के मुताबिक ही आपने ये पैसा लगाना है, नंबर 5 अपने ट्रस्टी गवर्निंग बॉडी से क्या ले लीजिए, अप्रूवल ले लीजिए। बस ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, जिसपे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी रूल नंबर 14 या स्केड्यूल नंबर 4 में कह लीजिए, इतना कुछ ऐसा है ही नहीं जो आगे हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। अगला कहता है ओपीआई बाय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, क्योंकि ये था एंटिटी अदर देन इंडियन, मतलब पीआरआई अदर देन इंडियन एंटिटी एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो इसलिए एक तो क्या आ गया आपका ट्रस्ट सोसाइटी आ गया, और क्या आ गया, ये सारे आगे जो सभी रजिस्टर्ड बॉडीज हैं, म्यूचुअल फंड, बीसीएफ या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसलिए हम क्या करें भैया, कुछ नहीं है, सेबी का कंप्लायंस करना है, वो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके लिए वो टोटल सीलिंग भी बता सकते हैं, इंडिविजुअल लिमिट्स भी बता सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना जो भी आप पैसा पुसा भेजोगे वो किसके थ्रू होना चाहिए, ऑथराइज डीलर बैंक के द्वारा होना चाहिए, तो इसके अंदर कुछ नहीं है। ऐसे ही तीसरा, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग मेंबर। अब ये आदमी कहेगा ये क्या है यार, देखो जी कुछ नहीं है, एफपीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, तो उन्होंने क्या किया, ऑब्वियसली इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, तो कहता अब पॉइंट क्या है, सीसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है जिसको सारी सेटलमेंट करवानी है स्टॉक एक्सचेंज में, मे अक्वायर होल्ड एंड ट्रांसफर फॉरेन सिक्योरिटीज ऑफर्ड एज कोलेटरल बाय एफपीआई।
तो नेचुरल है, एफपीआई ने कोलेटरल ऑफर किया हुआ, तो उनको सेटलमेंट तो करोगे ना, इसलिए आपके पास पावर तो होनी चाहिए ना फॉरेन सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने की, राइट? इसलिए आप क्या खुलवाओगे, नेचुरल है डीमैट अकाउंट खुलवाओगे, कहां फॉरेन डिपॉजिटर्स के पास, इंडिया की बात थोड़ी होगी, और नेचुरल है रिमिट द प्रोसीड्स अराइजिंग ड्यू टू सच एक्शन, ऑब्वियसली पैसा भेजना या वहां से लेके आना एंड रेपेट्रिएट द प्रोसीड्स टू इंडिया। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मेन बस ये पॉइंट है कोलेटरल बाय एफपीआई, बस इस चीज का हमें यहां पे मेन ध्यान रखना है। इसी में ही पॉइंट नंबर चार, उसमें चेंज क्या है, एक्विजिशन एंड अगेन वही फॉरेन सिक्योरिटीज है, उसका ट्रांसफर एक्वायर है बाय डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, हमारी डिपॉजिटरी की बात करें, सीडीएसएल एनएसडीएल की बात करें, क्यों बात कर रहे हैं भैया, इसलिए करें, कहता फॉरेन सिक्योरिटी ऑफ फॉरेन एंटिटी बीइंग द अंडरलाइन सिक्योरिटी ऑफ आईडीआर, इसका मतलब है बाहर की किसी एंटिटी ने पैसा हिंदुस्तान से रेज किया है, स्टैंड्स फॉर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, राइट? तो इसलिए डोमेस्टिक डिपॉजिटरी को हम ये क्या दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं, राइट? एज ऑथराइज्ड बाय फॉरेन एंटिटी और ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, तो भाई एज ए डोमेस्टिक टेरिटरी आप उसको खरीद बेच सकते हैं। अगला है एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी बाय ऑथराइज्ड डीलर बैंक इंक्लूडिंग इट्स ओवरसीज ब्रांच इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस एज पर टर्म्स ऑफ होस्ट कंट्री है जुरिसडिक्शन, अगेन नॉर्मल सा पॉइंट है, ऑथराइज्ड डीलर बैंक है और उसकी चाहे हिंदुस्तान के बाहर ब्रांच हो, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है, तो ठीक है ना भैया, आप ये चीजें कर सकते हैं। मतलब मेन आप इसमें से याद रखिए सिर्फ कौन सा, शेड्यूल 4 रूल नंबर 14 में ध्यान रखिएगा, ओआई की बात हो रही है लेकिन अदर देन आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड इंडियन एंटिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मेन ट्रस्ट और सोसाइटी एजुकेशन और हॉस्पिटल, पांच कंडीशन थी, प्रायर अप्रूवल आरबीआई की, नंबर 2 सेम सेक्टर में बाहर वाली भी इन्वॉल्व हो, आपको बने हुए कम से कम 3 फाइनेंशियल ईयर हो चुके हों, आपके ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर ही ट्रस्ट डीड कह लीजिए या मेमोरेंडम सोसाइटी के उसके मुताबिक आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पांचवां आपने अप्रूवल लेनी है अपने हेड्स की जो कि आपके हुए ट्रस्टी या गवर्निंग बॉडी या कमेटी कह लीजिए, उसके अलावा देखिए म्यूचुअल फंड वगैरह में वो हमने कह दिया सेबी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए वो हमने कह दिया क्योंकि कोलेटरल ऑफर किया एफपीआई ने, तो इसलिए फॉरेन सिक्योरिटी से रिलेटेड आप हिंदुस्तान के बाहर डिपॉजिटरी के पास डीमैट अकाउंट खुलवाओगे, देन इंडियन डिपॉजिटरी की बात हो रही है क्योंकि आईडीआर की बात हो रही है, एंड नंबर 5वां ऑथराइज्ड डीलर बैंक इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस काम कर सकता है। थereafter ये आ गया जी हमारा आखिरी स्केड्यूल, स्केड्यूल नंबर 5 रेड विद रूल नंबर 15। ये कौन कर रहा है पैसा, पीआरआई लगा रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो पीआरआई में कुछ भी आ सकता है, इंडियन एंटिटी आ जाएगी, रेजिडेंट इंडिविजुअल भी आ जाएगा, ट्रस्ट रूट्स के सब कुछ आ जाएंगे, मतलब यहां पे बात हो रही है सभी की सभी, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप पैसा कहां लगा रहे हो, है तो इंडिया में ही लेकिन हमने कहा था इसको भी हिंदुस्तान के बाहर मान लेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, राइट, गिफ्ट सिटी, वहां पैसा लगा रहे हो आप, तो हो तो कौन आप, सारे आ गए, तो इसलिए कंप्लायंस किसका होगा, इंडियन एंटिटी है तो स्केड्यूल 1 और 2 का कंप्लायंस होगा, क्योंकि इंडियन एंटिटी में हमने 2 हिस्से कर लिए थे, एक कर लिया था अलग से फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा कह लीजिए हमने क्या कर लिया था ओपीआई, इसलिए स्केड्यूल 2 इस पे था और फाइनेंशियल कमिटमेंट 1 पे था, और रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए टोटल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए 3 था और बाकियों के लिए 4 था, इसलिए हमने कह दिया स्केड्यूल 1 से लेकर 4 का कंप्लायंस। बस अब ध्यान क्या रखना है, कहता जब आप ओडीआई कर रहे हो इफ अप्रूवल बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर रिक्वायर्ड है, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में पैसा लगा रहे हो ना, तो एफएसआर से अगर अप्रूवल चाहिए उसको एक एप्लीकेशन दो और ये अप्रूवल आपको मिल जाएगी 45 दिन के भीतर, टू बी गिवन विद इन 45 दिन ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन अगर ये रेगुलेटर 45 दिन में आपको ये अप्रूवल नहीं देता, फेलियर डीम्ड अप्रूव्ड, तो हम मान लेंगे उसने क्या दे दिया है, आपको अप्रूवल दे दिया है अगर उसने एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं करे, मतलब मेन पॉइंट ये आ गया, आईएफएससी में पैसे लगा रहे लगाओ यार, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से पहले अप्रूवल ले लो जो 45 दिन में दे देगा, नहीं दे तो मान लो मिल गया आपको अप्रूवल। अगला पॉइंट क्या कहता है, कहता आपको इंडियन एंटिटी, ध्यान देना इंडियन एंटिटी कहां पड़ गया स्केड्यूल 1 और 2 में, नॉट एंगेज्ड इन एफएसए इन इंडिया, ये भी हमने पढ़ा था इंडियन एंटिटी सेकंड हिस्सा, जब हमने कहा था सिर्फ एक ही कंडीशन लगेगी प्रॉफिट वाली पिछले 3 साल वाली,
कहता आप इंडियन एंटिटी हो और एफसीए में इन्वॉल्व नहीं हो, ओडीआई कर रहे हो इन फॉरेन एंटिटी कर रहे हो विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन एफएसए, और फॉरेन एंटिटी एफएसए में इन्वॉल्व है। यही पढ़ा था हमने, वहां पे हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में नहीं होनी चाहिए, जिसकी फर्दर प्रोविजन थी अगर वो हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस में कर रहे तो कोई टेंशन नहीं। सेम पॉइंट आ गया ना, विच डज नॉट मीट नेट प्रॉफिट कंडीशन, एक ही तो कंडीशन थी। कहता है नेट प्रॉफिट की अगर आपने कंडीशन नहीं मीट करी तब भी क्या कर सकते हो, मे मेक ओडीआई इन आईएफएससी। सीखा क्या, आप क्या कर सकते हैं, यहां आ जाओ आप। ये था हमारा एफएसए वाला पॉइंट, ये लगा ना, इंडियन एंटिटी नॉट एंगेज्ड इन एफएसए और फॉरेन एंटिटी एफएसए में इन्वॉल्व है लेकिन बैंकिंग इंश्योरेंस में ना हो, लेकिन कोई टेंशन नहीं है जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस वाला, राइट। और कंडीशन एक पॉइंट कौन सा, नेट प्रॉफिट। तो बस यहीं पे आप साथ में क्या लिख सकते हो, बस यहीं पे आप हिंदी में लिख दीजिए, सेम इन स्केड्यूल पांच आपने ओडीआई कहां करी, इन आईएफएससी। And condition किसका, of net profit not to apply। ऐश करो, profit भी हमने नहीं देखना, वैसे ही profit में हमने कह दिया था कोविड वाले साल तो आप हटा ही सकते हो। तो ये पॉइंट आ गया। तो यहां schedule पांच इसलिए हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता कि इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है इसमें, ये पॉइंट तो यहीं पे बड़ा आसान हो गया। बस एक पॉइंट याद रखना 45 दिन वाला। देन कहता आरआई से रिलेटेड, ओडीआई कर सकता है फॉरेन एंटिटी में इंक्लूडिंग एंगेज्ड इन एफएसए एक्सेप्ट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इन आईएफएससी इफ सच एफई डज नॉट हैव सब्सिडरी और स्टेप डाउन सब्सिडरी आउटसाइड एफएससी वेयर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैज कंट्रोल इन एफई। मतलब आप क्या कह रहे हैं, अरे रेजिडेंट इंडिविजुअल भी क्या कर सकता है आईएफ, क्योंकि इसमें पैसे तो लगा ही सकता है क्योंकि ये सबके लिए आ गया। और कहता है इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता चाहे वो फॉरेन एंटिटी किस में इन्वॉल्व है, एफसीए में इन्वॉल्व है, बस ध्यान रहे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में ना हो। दूसरा क्या ध्यान रखना है, उसकी कोई सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी में उस रेजिडेंट इंडिविजुअल का क्या ना हो, कंट्रोल हो। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहां पे समाप्त। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा इसके ऊपर, देखिए इन वन पेज द एंटायर स्टफ। अगर आप प्रिंटेड में देखेंगे इतने ज्यादा पेजेस हैं इन शूट के, मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था, पांच स्केड्यूल वन पेज चार्ट, बस एक जगह आपको सारा आंसर दिखेगा, बड़े प्यार से इसे आप याद कर सकते हैं। तो पहले तो स्केड्यूल वन रूल 11 किसके लिए है, इंडियन एंटिटी के लिए है। वहां हमने कहा था छह तरह से पैसे लगा दो, इक्विटी शेयर परचेज सब्सक्रिप्शन बिडिंग टेंडर था, आपका राइट शेयर बोनस शेयर था, देन आपका कैपिटलाइजेशन था, देन आपका स्वैप था, देन मर्जर डी मर्जर वगैरह ये सब का था। देन दो हिस्से थे, इंडियन एंटिटी एफएसए में है, फॉरेन एंटिटी भी एफएसए में है, तीन कंडीशन लगानी है, पिछले तीन साल का प्रॉफिट हो, कोविड वाले दो साल 20-21-22 छोड़ दो, रेगुलेटर से आपने फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से रजिस्टर्ड हो और उनके सारे अप्रूवल आपने ले लिए हैं। दूसरे में क्या है, आप इंडियन एंटिटी एफएसए नहीं हो लेकिन बाहर वाली है, लेकिन कौन सी बाहर वाली नहीं होनी चाहिए, बैंकिंग इंश्योरेंस नहीं होनी चाहिए लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आपका हेल्थ जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर वो चलेगा क्योंकि अगर कोर बिजनेस एक्टिविटी ऐसा है तो सिर्फ एक कंडीशन प्रॉफिट वाली। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका लिंक हमने यहां से जाके अपने स्केड्यूल नंबर पांच से निकाला था, और वो क्या था कि अगर आईएफएससी में आप लगाओगे पैसे तो ये प्रॉफिट वाली कंडीशन भी नहीं चाहिए। फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए लिमिट है 500% 400% इंडियन एंटिटी की नेटवर्थ जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के मुताबिक, लेकिन ये अपनी पीएसयू वगैरह स्ट्रेटेजिक सेक्टर में उनमें लिमिट नहीं लगेगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिटर्न अर्निंग को फाइनेंशियल कमिटमेंट में नहीं लेना है, लेकिन एडीआर जीडीआर से पैसा जो आपने यूटिलाइज कर लिया है उसे लेना है, ईसीबीसी से भी जो यूटिलाइज कर लिया वो पैसा आपने लेना है। एंड स्केड्यूल दो रूल नंबर 14 में इंडियन एंटिटी के लिए था, आप ओपीआई में पैसा लगा रहे हो तो यहां लिमिट थी 50% ऑफ नेटवर्थ, 50% थी, बस ये आपने ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट अलग से ये था, अनलिस्टेड अगर इंडियन एंटिटी पैसा लगा रही है तो सिर्फ आखिरी चार क्लॉज में लगाएगी, जो छह थे दो छोड़ देंगे हम, एक अपना वो इक्विटी शेयर वाला परचेज वाला और दूसरा अपना वो बिडिंग और टेंडर वाला, उसके अलावा चार हम यहां लेके चलेंगे। तो टोटल हमने कह दिया था 450% यहां हो सकता है।
इसके बाद स्केड्यूल नंबर 3 में हमने रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए बोला, तो हमने कहा यार LLRs का ध्यान रखना, और यहाँ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, मतलब दोनों ODI OPI दोनों आ गए। यहाँ पे हमने 8 तरीके देखे थे कैपिटलाइजेशन, लेकिन स्वैप का कारण मर्जर अमेलगमेशन था, RS बोनस शेयर था, चौथा गिफ्ट, पांच में से कहानी चेंज थी क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन आ रही थी। क्योंकि मेन हमारा पॉइंट क्या था, वो फॉरेन एंटिटी FSA में ना हो, ना ही उसकी कोई सब्सिडरी या स्टेप्स डाउन सब्सिडरी के ऊपर रेजिडेंट इंडिविजुअल का कंट्रोल हो, लेकिन यहां से एक्सेप्शन लग रही थी आखिरी चार पॉइंट, इनहेरिटेंस, स्वेट, QS क्वालिफाइंग शेयर्स इन मैनेजमेंट पोस्ट जो आपको फॉरेन एंटिटी में मिली, या ESOP या एम्प्लॉइज बेनिफिट स्कीम। दूसरा क्या था, अगर 10% से कम है इक्विटी, चाहे लिस्टेड है अनलिस्टेड है, फॉरेन एंटिटी विदाउट कंट्रोल है, तो हम उसको OPI मानेंगे। गिफ्ट के केस में था PRI रिश्तेदार से मिले, कोई लिमिट का पंगा नहीं, PROI से मिले तो FCRA एक्ट का कंप्लायंस करना, इनहेरिटेंस PRI हो PRO हो कोई पंगा नहीं, कोई लिमिट का पंगा नहीं। एंड ध्यान रखें ISO वगैरह में भी, स्वेट में भी लिमिट का कोई पंगा नहीं है, बस कंडीशन ये है कि ग्लोबली FE ने अपने सारे यूनिफॉर्म बेसिस पे सबको ये ISO वगैरह दिए हों, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम से आपको मिल सकते हैं। स्केड्यूल 4 रेड विद रूल नंबर 14 में ये इनको छोड़ के, इंडियन एंटिटी एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल को छोड़ के था, जैसे ट्रस्ट और सोसाइटी वाला था, रजिस्टर्ड है, प्रायर RBI का अप्रूवल, बाहर वाली भी सेम कान में इन्वॉल्व हो, पिछले 3 साल से आपका इंडियन वाली का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, आपके मेमोरेंडम क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर होना चाहिए, जिसे ट्रस्ट डीड कह लो, या आपके उसके बायलॉज मेमोरेंडम या रूल्स कह सकते हैं सोसाइटी के, और आपकी गवर्निंग बॉडी अगर सोसाइटी है, वरना आपके ट्रस्टी अगर ट्रस्ट है तो उनका अप्रूवल लीजिए। देन वो म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए था, EIF VCF के लिए, SEBI का कंप्लायंस, देन था आपका डीमैट अकाउंट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान के बाहर, फॉरेन डिपॉजिटर्स के बाहर, क्योंकि वो था कोलेटरल बाय FPI, और चौथा था डोमेस्टिक डिपॉजिटरी क्योंकि यहां पे IDR की बात हुई थी, और पांचवां था ऑथराइज्ड डीलर बैंक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। और आखिरी स्केड्यूल 5 के अंदर हमारा आ गया था IFSC सेंटर में आप कर सकते हैं, बस यहां फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से 45 दिन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने क्या लेना है, अप्रूवल लेना है, नहीं उसने दिया, डीम्ड उसने आपको अप्रूवल मिल गया है। और दूसरा पॉइंट वो हमने पहले पढ़ लिया था कि नेट प्रॉफिट वाली कंडीशन का यहां कोई पंगा नहीं है, अगर इंडियन एंटिटी FSA नहीं है लेकिन वो FSA में आपने पैसे लगाए हैं। और दूसरी बात, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए भी कोई टेंशन नहीं थी, वो चाहे फॉरेन एंटिटी में पैसा लगाए, चाहे वो FSA में है, लेकिन बस ध्यान रखना था बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ना हो, और उसके पास क्या नहीं होना चाहिए, उसकी सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो यहां पे आकर के आपके स्केड्यूल समाप्त होते हैं, होप्स आपको एक यूटिलिटी मिले। इसके बाद एक हल्का सा कंसेप्ट यहां से रह जाएगा, वो है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रेगुलेशंस, बट वो बहुत छोटा कंटेंट है। थैंक यू।